नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। आइए नजर डालते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चुनावी समाचार पर, जो हमें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अमरावती विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कई उम्मीदवार मैदान में, क्या मेराज खान पठान को मिलेगी टिकट? महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अमरावती विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी पक्की होगी, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के संजय खोटके ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर अपनी परिपक्वता साबित की थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा के पूर्व नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने कांग्रेस में शामिल होकर हलचल मचा दी है, लेकिन इस बीच अमरावती के मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। कई मुस्लिम नेता जैसे कि वरिष्ठ नेता मेराज खान पठान, अधिवक्ता शोएब खान और नजीर खान ने कांग्रेस से टिकट की मांग की है। मुस्लिम समाज लंबे समय से अमरावती में अपने प्रतिनिधि की प्रतीक्षा कर रहा है और इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावना सबसे अधिक है। वर्तमान में अमरावती में मुस्लिम मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। विदर्भ क्षेत्र में नागपुर, अकोला और बालापुर जैसे क्षेत्रों में पहले भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिली है, लेकिन अमरावती में यह पहली बार होने जा रहा है। इस बीच मौजूदा विधायक सुलभाताई खोड़के को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है और अब वे अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं। भाजपा से जगदीश गुप्ता और मनसे से पप्पू पाटिल जैसे अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। डॉक्टर सुनील देशमुख की मुस्लिम समुदाय में पकड़ पहले जैसी नहीं रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने पिछले 15 सालों में मुस्लिम समाज का विश्वास खो दिया है। वहीं संजय खोड़के ने मुस्लिम समुदाय में कई काम किए हैं, जिससे उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को टिकट दिया तो मेराज खान पठान सबसे प्रबल उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। उनके पास अनुभव और समुदायों में गहरी पैठ है। मेराज खान पठान अमरावती जिला ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्य भी हैं। उन्होंने सामाजिक आंदोलनों और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यदि उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलता है तो दलित और अन्य समुदायों का भी समर्थन उनके साथ हो सकता है। इस तरह अमरावती में इस बार का चुनाव कड़ा और रोमांचक होने वाला है। तो नाजरीन, यह थी आज की चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबर। देखते रहिए VSM प्राइम। मैं हूं अनाया, अगले अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगी।